हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। अगर आपका बजट है 6000 और आप इस प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। हम आपको 4 मोबाइल, 5 मोबाइल या 7 मोबाइल बताकर आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहेंगे, इसलिए हम आपको 3 ही ऐसे स्मार्टफोन बताएंगे जो 6000 के प्राइस रेंज में काफी दमदार फीचर के साथ मिल जाएगा। देखिए, टाइम जो होता है ना सबके लिए बहुत कीमती होता है और आपका भी टाइम नहीं लेंगे ज्यादा, तो चलिए फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे लिस्ट का पहला फोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C21। देखिए, यह फोन जो है ना इस प्राइस रेंज में काफी धांसू फीचर के साथ आता है। तो पहले इस फोन का छोटा मोटा फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का मेन फीचर को देखेंगे, ठीक है। इस फोन का वजन जो है ना आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 190 ग्राम है। 8.9 mm का थिकनेस है, 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो रियलमी UI V1.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 4G सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा रियर फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था खैर इस फोन का छोटा मोटा फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। 400 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। वहीं 60Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट तथा 120Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। अगर इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो काफी स्मूथली कर पाएंगे। देखिए, डिस्प्ले जो है ना इस फोन का काफी अच्छा दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा बल्कि काफी आनंद आएगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस तथा पावर हाउस का। तो MediaTek Helio G35 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। देखिए, प्रोसेसर जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में नॉर्मल गेमिंग करना चाहते हैं तो वो काफी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप इस फोन में चाहिएगा हैवी गेमिंग करना तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं इस फोन का पावर हाउस का। 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको चार्ज करने के लिए 10 वाट का चार्जर का सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए, यह चार्जर जो है ना चार्जिंग में टाइम तो लेगा लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज भी कर पाएंगे। नॉर्मल यूजर को जो है ना ये फोन आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 3GB का रैम 32GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। 3GB रैम 32GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए आपको 6999 रुपया पे करना पड़ेगा, यानी कि नेट 7000 रुपया इस फोन का प्राइस है। अगर आपका बजट 6000 रुपया है ना, हम कहेंगे कि आप उसमें 1000 रुपया ऐड कर लीजिए क्योंकि अगर आपको एक अच्छा फोन मिल जाएगा ना तो आप लॉन्ग टाइम उसे यूज भी कर पाएंगे। अगर आप अपने बजट में मनी ऐड करने में सक्षम नहीं है तो अगला वाला फोन आपके लिए ही है क्योंकि अगला वाला फोन जो है ना काफी खतरनाक फीचर के साथ मिल जाएगा, वो भी 6000 में ही। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का दूसरा फोन का। हमारे लिस्ट का दूसरा फोन आता है जियोनी की तरफ से, जियोनी मैक्स। देखिए, एक जियोनी मैक्स प्रो है और एक जियोनी मैक्स है। अभी जो हम बता रहे हैं ना ये जियोनी मैक्स के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अपना पुराना अंदाज में पहले इस फोन का बेसिक फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का मेन फीचर को देखेंगे, ठीक है। इस फोन का वजन आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा क्योंकि इस फोन का वेट 185 ग्राम है। 10.75 mm का थिकनेस है। देखिए, यह फोन जो है ना अदर फोन के मुकाबले में आपको कुछ ज्यादा मोटा दिखेगा लेकिन ठीक ही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 mm का जैक दिया गया है। फोन में आपको डेडिकेटेड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 4G सिम तथा 1 मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए नॉर्मल स्क्रीन लॉक तथा फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा कि फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अदर फीचर हमें काफी कमाल का मिल रहा है तो उससे मैनेज हमें करना पड़ेगा। ये तो था खैर इस फोन का छोटा मोटा फीचर। वीडियो में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन फीचर का। तो 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा IPS पैनल के साथ। डिस्प्ले जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या हल्का फुल्का गेमिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है जो कि ठीक ठाक ही है। 5000mAh का बैटरी दिया गया है जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लॉन्ग टाइम यूज कर पाएंगे। बैटरी जो है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी अच्छा दिया गया है। डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा भी जो है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी धांसू दिया गया है। बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। तो 2GB का रैम तथा 32GB के स्टोरेज के साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 256GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। देखिए, इस फोन को लेने के लिए आपको 5999 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आपका बजट केवल और केवल 6000 रुपया ही है तो ये फोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से इस फोन में जो है ना फीचर काफी खतरनाक फीचर दिया गया है। अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं हमारे लिस्ट का अगला फोन का।
हमारे लिस्ट का आखिरी फोन आता है आईटेल की तरफ से आईटेल विजन 2S। देखिए ये फोन भी जो है ना थोड़ा सा पुराना है लेकिन काफी खतरनाक फीचर के साथ आता है। आपको तो पता ही है कि इस प्राइस रेंज में भी फोन लॉन्च नहीं होता है, तो हमेशा की तरह पहले इस फोन का बेसिक फीचर को देख लेते हैं, बाद में इस फोन का मैन मैन फीचर को देखेंगे, ठीक है। इस फोन का आपको लगभग नॉर्मल ही दिखेगा। 8.9 mm का थिकनेस है, 3.5 mm का हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाएगा जिससे आप 2 4G सिम तथा एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक तथा फिंगरप्रिंट का सेंसर देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखा गया है इस फोन में। ये तो था खैर छोटा मोटा फीचर। वीडियो में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इस फोन का मैन मैन फीचर का। तो 6.5 इंच का HD प्लस TFT पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। देखिए डिस्प्ले जो है ना इस फोन का ठीक ठाक ही दिया गया है जिससे आपको मूवी देखने में या गेमिंग करने में काफी आनंद आएगा। वहीं 450 nits का ब्राइटनेस दिया गया है जिससे आपको डे लाइट या आउटडोर में कोई दिक्कत नहीं होगा। यूनिसोक 9863A वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा ऑक्टा कोर के साथ। देखिए प्रोसेसर ठीक ठाक ही दिया गया है इस फोन में। अगर आप इस फोन में हैवी गेमिंग करना चाहिएगा तो वो नहीं कर पाइएगा, लेकिन हाँ नॉर्मल गेमिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 5000 mAh का एक बड़ा बैटरी दिया गया है जिसको एक बार चार्ज करने के बाद आप इसे लंबा समय तक यूज कर पाएंगे। इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो है ना इस फोन में बैटरी काफी कमाल का दिया गया है। पीछे का कैमरा 8 MP का दिया गया है, वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो वो 5 MP का दिया गया है। कैमरा जो है ना इस फोन का नॉर्मल ही है लेकिन ठीक ही है। 2 GB का रैम तथा 32 GB का स्टोरेज साथ मिल जाएगा। आप चाहे तो 128 GB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। अब ऐसे में बात आता है कि इस फोन का प्राइस कितना है। इस फोन को लेने के लिए आपको 6,900 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर आप इस फोन को सेल ऑफर में लीजिएगा तो 6,000 के अंदर में ये फोन आपको मिल जाएगा। देखिए अब आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपका बजट नेट 6,000 रुपया है तब आप जियोनी वाला फोन को ले लीजिए। अगर आपका बजट 6,000 से थोड़ा सा ऊपर है यानी कि 7,000 रुपया है तब आप एक नंबर वाले फोन को जरूर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर वाले फोन में जो है ना फीचर काफी कमाल का दिया गया है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।